किंगफिशर ने स्मार्ट हाइब्रिड कैमरे को लॉन्च कर दिया है। अब इसको लॉन्च होने से सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या अब कलर व्यू कैमरा, कलर नाइट विजन कैमरा बंद हो जाएंगे? तो कुछ केसेस में इसका जवाब यस है, जी हाँ, हो सकता है कि कलर नाइट विजन कैमरा बंद हो जाए। लेकिन क्या होगा उसका परिणाम और क्या अल्टरनेटिव्स आएंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले इस कैमरे के बारे में बात करते हैं, आईपी में लॉन्च हुआ है और किस तरह के मॉडल नंबर इसके बाद बंद हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये मॉडल नंबर आप कहाँ यूज कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2MP और 4MP में लॉन्च हुआ है। मॉडल नंबर आप देख लीजिए जो बहुत ज़रूरी है, बुलेट में DS-2CT1023, ये आपका 2MP का बुलेट है, G2-LIUF, DS-2CT1043 ये 4MP का बुलेट है, G2-LIUF, DS-2CT1323 G2-LIUF ये आपका डोम में 2MP है, DS-2CT1343G2-LIUF यह आपका 4MP में डोम में है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्मार्ट हाइब्रिड लाइट मॉड्यूल्स क्या है और ये क्या टेक्नोलॉजी है जो लॉन्च की है हिकविजन ने और ये चीज़ें हैं क्या। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 4MP में WDR है, डोम बुलेट दोनों में 4MP में WDR है और ये सिंगल लाइन का है। DS-2CT1 है तो ये सिंगल लाइन है, DS-2CT2 रहता है तो वो डबल लाइन का होता है, तो ये सिंगल लाइन का है। कुछ इसमें खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं स्मार्ट हाइब्रिड लाइट मॉड्यूल के बारे में डिटेल से आपको बताऊँगा। IP67 है इसमें, माइक्रोफोन है, ऑडियो इनबिल्ट है, इसके अलावा 256 GB माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज कर सकते हो। IR जो नाइट विजन है इसमें 30 मीटर्स का है। अब यहीं पर ये चीज़ें आपको समझनी है, वाइट लाइट आपका 20 मीटर्स है। अब मैंने आपको बताया था स्मार्ट हाइब्रिड लाइट कैमरा, जस्ट वो डुअल लाइट कैमरा आपका जो एनालॉग में आया था बस वही चीज़ है, इसको समझ लीजिए। 3 मोड है, IR मोड, वाइट लाइट मोड और इसके बाद स्मार्ट मोड। अब आज से 2 साल पहले मैंने ये एज्यूम किया था, मैंने एक शिकायत की थी कंपनी से, मैंने एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो को देखिए आपको समझ आएगा। मेरी समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्मार्ट लाइट या स्ट्रॉब लाइट हद से ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। हद से ज़्यादा पावर कंज्यूम करने का तात्पर्य मेरा ये है, मतलब मेरा ये है कि पावर बहुत ज़्यादा लेती है और पावर ज़्यादा लेने के कारण अधिकतर जगहों पर जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है इस कैमरे को वहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, जो इन्वर्टर जो आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, तो इस कारण से वो लोग चाहते हैं कि स्मार्ट लाइट ऑफ करें, स्मार्ट लाइट ऑफ करने के बाद पिक्चर सही नाइट विजन में नहीं आता, तो ये काफ़ी एक बड़ी समस्या है। इसके बाद अधिकतर कस्टमर जो है चाहते हैं कि स्ट्रॉब लाइट यानी कि स्मार्ट लाइट को ऑफ करके रखें, अलग सा दिखता है और दूर से जो है वो लगता है कि इस जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, जो कि अधिकतर कस्टमर चाहते हैं कि नहीं मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया है, इसलिए उनको पता चल जाता है कहाँ पर कैमरे लगे हैं, कहाँ पर क्या लगे हैं, तो उसके वो ध्यान रखते हैं और उस हिसाब से वो अपनी जो छुर है या फिर कोई भी है वो अलग तरह की एक्टिविटी वो कर बैठते हैं। इसके बाद इस वीडियो में मैंने क्लियरली ये चीज़ बताया था कि क्यों आप कलर नाइट विजन कैमरा नहीं लगाए, उसके लाइट से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें हैं। आज हिकविजन ने उस चीज़ को माना है, अब उसको अपने जो ऑफिशियल जो पंपलेट है उसमें, ऑफिशियल जो ब्रोशर है उसमें लिखा हुआ है कि जो वाइट लाइट जलता था ये नोटिसेबल होता था। ये चीज़ें हमने कई बार वीडियो में बताई है, आप लोगों ने भी कई बार कंप्लेंट की होगी, इसको कंपनी ने ध्यान में रखी चीज़ें बताई है कि कैमरा नोटिसेबल था वो वाइट लाइट से, इसलिए ये डुअल मोड कर दिया। इसमें आपको IR मोड मिलेगा, नाइट विजन 30 मीटर तक आप नाइट विजन आपका ब्लैक एंड व्हाइट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कलर में यूज़ करेंगे तो व्हाइट लाइट आप ऑन कर दीजिए, 20 मीटर्स तक कलर नाइट विजन आप देख सकते हैं। स्मार्ट मोड यूज़ करिएगा तो नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट देखेगा, लेकिन अगर कोई हलचल होती है, मूवमेंट होती है, तो वहाँ पर ही वो लाइट जल जाएगी, यानी वहाँ पर आपको कलर पिक्चर मिलेगा। ये चीज़ें अब IP में भी आ गए हैं। व्हाइट लाइट 20 मीटर्स का डिस्टेंस है, ROI है वन फिक्स्ड रीजन, BLC है, HLC है, 3D DNR है, इसके अलावा रोटेट मोड भी दिया गया है, 4 एरिया प्राइवेसी मास्क है, आप 4 एरिया में ये सेट कर सकते हो। अब इस बारे में मैंने जो पहले बताया इस चीज़ को क्लियर समझिएगा कि इसको यूज़ करने से पहले अब क्या क्या चीज़ें जो हैं बदल जाएंगे पूरी तरह से, वो आप समझ लीजिए। देखिए, सिंगल लाइन में जो भी IP कैमरा आ रहे थे कलर नाइट विजन में, उसका फ्यूचर इसके आने से अधर में पड़ गया, वो बंद हो सकता है। सेकंड लाइन में ये चीज़ें नहीं हो या फिर जो टर्बो एक्स टेक्नोलॉजी हो
उसमें ये चीज़ें ना हो। लेकिन सिंगल लाइन में जो कलर नाइट विजन आते थे, कलर व्यू लाइट मोड वाला जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था 3-4 महीने, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, वो हो सकता है कि अधर में लटक जाए और ये चीज़ें मार्केट में तेज़ी से फैलने लगे, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं एनालॉग की बात करूँ तो एनालॉग में भी कलर व्यू का क्या प्राइस था, उससे कम प्राइस में डुअल मोड लॉन्च हुए थे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, काफ़ी कम प्राइस में इसे लॉन्च किया गया है, प्राइस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट मैं आपको क्लियर बता दूं कि प्राइस इसका सस्ता होगा। इसके अलावा इसमें मोशन डिटेक्शन 2.0 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल आपको सभी में देखने को मिलेंगे। 2020 से ये चीज़ें एक विजन इंप्लीमेंट करते आ रही है। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि दूसरे ब्रांड में जो आईपी कैमरे थे वहाँ पर कलर नाइट विजन आप यूज़ कर रहे हैं, लाइट जल रहा है, किसी को लाइट से प्रॉब्लम है, किसी को वोल्टेज से प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज ले रही है कैमरा, तो उस कंडीशन में ये क्या करे, तो वहाँ पर कोई नहीं समझ में आता था। हिकविजन ने एक सॉल्यूशन बनाकर दे दिया है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट भी नाइट विजन यूज कर सकते हो अगर आपको कलर नहीं पसंद हो। फिलहाल हाइब्रिड के नाम से इसे लॉन्च किया गया, हाइब्रिड लाइट, अब डुअल मोड लाइट के नाम से लॉन्च नहीं किया गया है। अब ये चीजें आईपी में भी आ गई। उम्मीद करता हूं कि यह अपडेट आपको पसंद आया होगा और फ्यूचर में आप एक सस्ते कैमरे के रूप में इस कैमरे को यूज कर सकते हैं, बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा आपको हिकविजन की ओर से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करने। तो धन्यवाद।